तो दोस्तों ग्रेविटी कहाँ है? ग्रेविटी कहीं मौजूदा नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। भोला शंकर का ट्रेलर और भाई अपने चरणजीवी सर की एक्शन साइफर मूवी, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें ना पसंद आई पाई। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बताते रहे क्या क्या चीजें होने वाली है। शॉर्ट बाय शॉर्ट बताएंगे हमें कैसा टीजर लगा और चलिए शुरू। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका एसएम टॉक क्लब में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको बताता हूं कि भोला शंकर इतनी बकवास और इतनी वर्स्ट क्यों लगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चिरंजीवी सर के होते सोते भी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन कैरेक्टर काम करने वाले। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो हमारे पास दो फीमेल एक्ट्रेस और एक मेल एक्ट्रेस है। बाकी भाई सब बाकी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि हम साउथ में देखना पसंद करते हैं। चिरंजीवी सर एज अ मेन कैरेक्टर भाई, उनके साथ तमन्ना और एक अपनी स्पेशल कृति जो कि हमें एक ही कैरेक्टर के साथ मर्ज मिलेगी, जिसमें से कृति मर जाएगी ट्रेलर में। वो क्लियरली दिखाया गया कि उसके कैरेक्टर में क्या आगे होने वाला है। टीजर की शुरुआत होती है उन सब सीन से जो कि हमारा दिमाग पहले ही हिला देते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये रीमेक मूवी है। 1,20,00,000 व्यूज के बाद ये मूवी, मैं आपको बताता हूँ भाई, ये मूवी एक्चुअलिटी मेरे तमिल के फेवरेट हीरो की है। और भाई ये मूवी वेदलाम मूवी 2015 में आई, उसकी एज अ सीन कॉपी मूवी बनी हुई। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बॉलीवुड तो कॉपी करता था, बॉलीवुड भी कॉपी करने लगा। तो चलो अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की तरफ। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भाई, बिना इसके तो अपनी वीडियो इनकम्प्लीट है दोस्तों। भाई साउथ की एंट्री का कोई कमाल नहीं है भाई, इनकी साउथ की एंट्रीज ओपी लेवल की होती है। अलग लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना, वो सिर्फ साउथ वाले ही दे सकते हैं। और एक्चुअली इस बात में दम है, क्योंकि अपने चिरंजीवी सर की एक्टिंग और चिरंजीवी सर की एंट्री एब्सोल्युटली फैबुलस होनी ही चाहिए ना दोस्तों। उसके बाद अगले सीन में भाई डांस करता हुआ बंदा मार रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल है ब्रो। मतलब नेक्स्ट लेवल इसलिए क्योंकि भाई बंदा मार रहे है, अगर ऐसे असलियत लाइफ में हो जाए तो मजा ना। तो आज फिल्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और अगला उससे अगला सीन तो भाई क्या ही बताऊं, ग्रेविटी की माँ बहने कर दियो, यूं तरशूल में उठा दिया बंदे को। और दोस्तों आगे उसकी फाइटिंग कंटिन्यूसली चल रही है और फाइटिंग 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 शुरुआत से लेके मिडल तक फाइटिंग। लेकिन बीच में इन्होंने जो फैमिली वाला लव ट्विस्ट दिया है, एक पहले उससे प्यार हुआ फिर उससे प्यार हुआ, अब समझ नहीं आया किससे किससे प्यार हुआ। सबसे अच्छा जो इनका मेरे को पॉइंट लगता है दोस्तों, ये फैमिली मूवीज बनाते हैं दोस्तों, हम सबके लिए एक फैमिली कॉन्सेप्ट निकाल के आते हैं ताकि हम जाके देखें। एक डिसएडवांटेज जो इसमें पता लगेगा वो नेगेटिव में बात करेंगे। अब रही सही जो मेरी फेवरेट नेगेटिव पॉइंट्स भाई, भाई आप अगर साउथ की मूवीज देखने जा रहे हो तो ग्रेविटी तो भूल ही जाओ दोस्तों, वहां ग्रेविटी उड़ना पड़ना चलेगा चलेगा। और सबसे अजीब बात की एक बंदा लाखों को मार देता है बिना किसी सुपर पावर के, और सुपर पावर तो इतनी है कि हाथों में पावर है। हैंड कॉम्बैट के साथ, गन फाइटिंग के साथ एक्शन फुल थ्रिल मूवी आपके सामने रखी जाएगी, फुली एक्शन और थ्रिल के साथ। साउथ की ये मूवी आपके सामने 11 अगस्त को शंकर भोला नाम से चिरंजीवी सर की ये मूवी रखी जाएगी। और मूवी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो सिर्फ तमिल में ही देख पाओगे, क्योंकि भाई नेगेटिव पॉइंट तो सबसे बड़ा इसका कि ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आ रही है, दैट्स द बिगेस्ट। और सबसे अच्छी चीज बेशक ये मूवी रीमेक्ड है, बट वो चिरंजीवी सर इसको अपनी एक्टिंग से इसको फुलफिल कर देंगे। और अभी तक इस मूवी के रिव्यू में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि भाई मूवी का रिव्यूज तो अपन लाते रहेंगे।